सभी को जय यीशु। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है आप लोगों के सामने में आने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की कृपा को जानने के लिए आप लोगों के बीच में फिर से मैं खड़ा हूँ। आज का जो वचन है, इस वचन के द्वारा हम लोग फिर से परमेश्वर की अगुवाई कर पाएंगे, परमेश्वर की भरपाई कर पाएंगे और परमेश्वर के नाम को और भी आगे बढ़ा पाएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ कि परमेश्वर की कृपा आप लोगों के साथ में रहे और परमेश्वर के आशीष में आप लोग आशीषमय हो जाएं। संभव तभी है जब हम लोग परमेश्वर के नाम की अगुवाई कर पाएंगे, परमेश्वर को जान पाएंगे और परमेश्वर की अगुवाई के लिए अपने जीवन को समर्पण कर पाएंगे। जितने जन इस टीवी के प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सभी को जय यीशु कहता हूँ। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि इस समय आप धीरे धरिए, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने वाले हैं। वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सबसे ज़्यादा व्यस्त है हमारे धन संपत्ति को लेकर। हम लोग व्यस्त है क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या घूमेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या ज़रूरत है, इसको लेकर बहुत व्यस्त है। और ये व्यस्तता हमारे आपके जीवन में रोग, बीमारी, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ लाकर खड़ा कर देता है। क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ? आप थोड़ा मिलाकर देखिए मेरे साथ। आप पैसे को रोज़गार करने के लिए कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं, आपका संपत्ति को आप बढ़ाने के लिए क्या ना क्या करते हैं, मगर अंतिम में क्या रहता है, क्या साथ में जाएगा? कुछ नहीं। सब कुछ आपको छोड़कर यहाँ पर जाना है। मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस समय में, क्योंकि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं मिट्टी के लिए मेरे फादर के साथ गए थे एक जन के मिट्टी में, और जब मैं मिट्टी में गया तो देख रहा हूँ कि पूरे परिवार रो रहे हैं। यार रोना मतलब क्या बोलेंगे, आप लोग जानते हैं कोई मर जाता है जिस तरह से रोया जाता है, उससे भी डबल रो रहे थे सब कोई। पूरा मिट्टी कंप्लीट हो गया है, फादर ने अंतिम प्रार्थना कर चुके हैं, सबको ये उस कब्र में मिट्टी डाल चुके हैं, अब आने वाले हैं। अचानक दूर से देख रहे हैं उसके छोटे बेटे शराब पीते हुए दौड़ कर आ रहे हैं। क्या बात हुआ? फादर जी ने कहा, रुक जाओ थोड़ा ब्रदर जी, देखते हैं क्या हुआ है। और जब मैं रुक कर देख रहा हूँ कि क्या बात है, बात ये हुआ था कि वो भाई साहब आकर कहने लगे कि मेरे उस माँ के मिट्टी को मिट्टी से फिर से उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ। सभी कोई कह रहा है कि एक बार मिट्टी हो चुका है, इसे देख नहीं पाओगे, इसको देखने का कोई भी उपाय नहीं है। मगर वो जोर जबरदस्ती झगड़ा करने लगे, गाली गलाज करने लगे कि वो चाह रहे थे कि उसके माँ के बॉडी को फिर से निकाला जाए, वो देखेंगे। जब उस माली लोग फिर से उसे उठाए हैं ऊपर में कोशिश करके, और उठाकर उस कब्र को जब खोला गया है, वो अपने माँ के बदन पर रोते हुए, माँ के गले में एक सोने का चेन था, उसे खींचते हुए निकाला। और निकालने के बाद उसने कहा, अब मिट्टी दे दो, क्योंकि तब के समय में उस सोने का दाम बहुत ही था। फादर जी ने कहा, देखो जिसने इतने कष्ट से बनाया है वो भी कुछ नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ प्रियजन, संग में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ रख के जाना है, कुछ आपके साथ में नहीं जाएगा। आपका बना हुआ बाड़ी, आपका बना हुआ गाड़ी, आपके बने हुए धन संपत्ति, सब इस दुनिया पर छोड़ कर जाना पड़ेगा। आप बना रहे हैं, दूसरा कोई इसे भोग करेगा। आप गढ़ रहे हैं, दूसरा कोई इसे खाएगा। आप पेड़ लगा रहे हैं, दूसरा कोई ये फल को ग्रहण करेगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज चाहते हैं अपने जीवन में कुछ बनाने के लिए, इसके लिए परमेश्वर के आशीष को लाना बहुत ज़रूरी है। अगर भजन संहिता 62 देखेंगे, पद संख्या 11, जहाँ पर उसने बहुत ही सुंदर कहा है, थोड़ी देर देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं उसके वचन में। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और है प्रभु करुणा भी तेरी, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, अंधेरे करने पर भरोसा मत करो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। कितने सुंदर वचन उसने कहा है कि तू एक एक जन को अपने फल के अनुसार आशीष देता है। आज याद रखिए प्रियजन, आप क्या जुगाड़ कर रहे हैं, क्या अपने संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, कौन सा संपत्ति जिसे चोर आकर चोरी कर लेगा, कौन सा संपत्ति जिसमें घुन लग जाएगा, कौन सा संपत्ति आप कर रहे हैं जिस पर ईश्वर का हाथ नहीं है। अगर नहीं है तो वो संपत्ति कुछ फायदे का नहीं है, और संपत्ति आपको स्वर्ग पर लेकर नहीं जाएगा। एक बार एक परिवार ने मुझे बुलाया था प्रार्थना के लिए। जब मैं प्रार्थना के लिए पहुंचा तब मुझे मालूम गिरा इस परिवार में एक जन को चंगाई चाहिए। कैसे चंगाई चाहिए? उसको कुछ ऑपरेशन का ज़रूरत है,
जिस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा करीबन 4 लाख रुपया लगेंगे, मगर उसके परिवार में जो थे उनके पास 5 से 6 लाख रुपया था। तो वो भाई साहब बार बार अपने परिवार से कह रहे थे कि मुझे वो पैसा दे दो जिसके द्वारा मैं ऑपरेशन कर पाऊँ और मुझे ऑपरेशन करने के बाद मुझे चंगाई मिल जाए, मगर उसके परिवार उसको पैसा देने नहीं चाहे, विशेष करके उसके पिताजी जिसके नाम पर वो पैसा था वो दे नहीं चाह रहे थे। विश्वास कीजिए उसके ही एक हफ्ते में उस पिताजी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट के दौरान जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ करीबन 6 लाख रुपया एक बार में निकल गया। वो तब रोने लगे, हाय मेरा कहाँ गया मेरा पैसा। और वो ऑपरेशन होने के बाद भी उसके पैर को काट दिया गया, तब उन लोगों को समझ में आया कि ये पैसा कुछ भी काम के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसा जुगाड़ करना, पैसा का रोज़गार करना ज़रूरी नहीं है। बाइबल कहते हैं कि सरों के घाम पैर में गिरना ज़रूरी है, मगर ये नहीं कि जो पैसा आपके जीवन में काम ना आए। जो पैसा परमेश्वर दे रहा है उस पैसा परमेश्वर के नाम के लिए, अगुवाई के लिए अगर कुछ काम ना आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के मार्ग पर रहना। अगर देखेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से अगर देखेंगे, मैं ये वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पर उसने कहा धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। उसने कहा एक धनवान मनुष्य था जो बेगनी कपड़े और मलमल परिणता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक धनी व्यक्ति था जो अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे तरह रहते थे और अच्छे खाना खाते थे। और जहाँ पर उसने कहा लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुई उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। एक लाजर नाम के भिखारी जो उसके चरणों में बैठे हुए थे और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर से जो भी झुटने पड़े और वो अपने पेट को भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया और वो धनवान भी मर गया और अंधे लोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखों उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। बाइबल कह रहा है कि जब उसने आंखें को उठाई तब देख रहा है कि वो लाजर अब्राहम के गोद में बैठा हुआ है। देखिए जिसने इस दुनिया में कुछ भी नहीं कमाया है, कुछ भी धन नहीं कमाया, उसके जीवन में क्या हालत हो चुका है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग विश्वास के साथ उसके पास लौट कर आए। धन संपत्ति से परमेश्वर खुश नहीं होते हैं, वो आपके हृदय से खुश होते हैं। भजन संगीता 91:17 में उसने कहा मैं भग्न शीर्ण हृदय को पसंद करता हूँ, मैं तेरे हृदय को पसंद करता हूँ, मैं तू कौन सा भेंट चढ़ाएगा मैं नहीं चाहता। बहुत सारे जन सोचते हैं कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और परमेश्वर खुश हो जाएंगे। नहीं प्रियजन, परमेश्वर आपके भेंट से खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर जो खुश होते हैं वो परमेश्वर के आशीष है। परमेश्वर चाहते हैं आप प्रभु के पास लौट कर आए, वो नहीं चाहते हैं कि आप उसको धन संपत्ति से भरे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आपका धन संपत्ति से उसका जीवन भरे। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के पास लौट कर आके प्रभु की अगुवाई और प्रभु की स्तुति और प्रभु की प्रशंसा करें। ये संभव तभी है जब अपने धनों को आप प्रभु के कामों में लगाएंगे, जब अपने संपत्ति को आप परमेश्वर के अगुवाई के लिए लगाएंगे, जब अपने संपत्ति को परमेश्वर की मार्ग की ओर लगाएंगे, जब अपने संपत्ति को परमेश्वर की नाम के लिए व्यवहार करेंगे, तब आपका जीवन बढ़ता रहेगा। जिसका पहला उदाहरण है दशमांश देना चर्च में, जिसका पहला उदाहरण है मिनिस्ट्री के लिए दशमांश देना, अपने कामों की दशमांश देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग नहीं कहते यार, इसीलिए हम लोग नहीं समझते हैं कि परमेश्वर का शक्ति हमारे परिवार में कैसे काम करेंगे। जैसे उसने अपने वचनों में कहा है जानना बहुत ज़रूरी है, नीति वचन अध्याय 23:5 में उसने कहा क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाया जो है ही नहीं, वो वकब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाती है। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाया है जो है ही नहीं, वो वकब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। उस वस्तु की ऊपर अपनी आंखों को मत लगाओ जो वस्तु तुमसे दूर हो जाती है। उस वस्तु के ऊपर आंखें मत लगाओ जो वस्तु तुम्हारा नहीं रहेगा। उस वस्तु के ऊपर मत अपने जीवन को अपनाओ जो वस्तु तुम्हें साथ नहीं देगा। हालेलुया, आपका संपत्ति आपको साथ नहीं देगा, आपका संपत्ति आपके साथ नहीं जाएगा।
बड़े हो या छोटे हो, सभी को छोड़कर जाना है, आप संग में कुछ लेकर नहीं जा पाएंगे। अगर जाएगा तो यीशु मसीह का नाम जाएगा, हालेलुया। अगर जाएगा तो पवित्र आत्मा जाएगा। अगर जाएगा तो यीशु मसीह आपके साथ जाएंगे। दूसरा कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जाएगा, दूसरा कोई सामान आपके साथ नहीं जाएगा, दूसरा कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को आज तहे दिल से बताने वाला हूं, वो ईश्वर परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर जो आपके जीवन को बनाते हैं, जो आपको बनाने के समय देखा है, मां के गर्भ में रहते हुए जिसने आपको रचा है, उसे पता है आपको क्या जरूरत है और क्या नहीं है। वो जानते हैं आपको क्या देना है और नहीं देना है। अगर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 देखेंगे, जहां पर परमेश्वर ने कहा तुम लोग बड़े बड़े प्रार्थना मत करो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें क्या देना है। परमेश्वर पहले से देने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए तो हम लोग पिता हमारे प्रार्थना में कहते हैं कि मेरे दैनिक जो भी जरूरत है प्रभु मुझे दे। उसने नहीं कहा सालों का जो जरूरत है दे दे, महीनों का जो जरूरत है दे दे। उसने कहा हर दिन का जो जरूरत है वो मुझे दे दे। और वो देते हैं, वो भरते हैं, वो नया शक्ति देते हैं, वो जीवन से लाते हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की उस शक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का उस वचन को जानना बहुत ज़रूरी है जिसके द्वारा हमारे जीवन बदल सकता है। नीति वचन 28 पत्संग का 20 में उसने कहा सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धोनी होने में उतवाली करते हैं वो निर्दोष नहीं ठहरता। प्रभु कहते हैं कि आपको धनी होना ज़रूरी नहीं है, आप परमेश्वर का सच्चे मनुष्य अगर हो जाएंगे आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में वो मार्ग आ जाएगा, आपके जीवन में वो शक्ति आ जाएगा और आप जान पाएंगी कि क्या हो पाता है। एक बार एक परिवार ने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया। उस परिवार का बहुत ही जमीन है, बहुत सारे जमीन है, मगर उस जमीन में वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों कर नहीं पा रहे हैं कि एक दुष्ट आत्मा उस जमीन को घेर कर रखा है। जब भी कुछ करने के लिए वो लोग जाते हैं वो दुष्ट आत्मा उनको उस जमीन में गिरा देते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी लाकर खड़े कर देते हैं। मैं और मेरे टीम जब उस जमीन पर पहुंचा प्रार्थना करने के लिए, तब पता चला एक दुष्ट आत्मा इस जमीन को घेर कर रखा है। हम लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा कि प्रभु इस वक्त इस जमीन को छुटकारा दे, इस वक्त इस मंद आत्मा से इस जमीन को छुड़ा। प्रभु तेरे नाजरत यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, तेरे शक्तिदायक नाम से विनती करते हैं, इस समय इस जमीन को छुटकारा दे प्रभु। और वो मंद आत्मा उस जमीन को छोड़कर चले गए, फिर से हरी भरी होना चालू हो गया वो जमीन। मैंने उस परिवार से कहा कि देखो अब प्रभु का धन्यवाद दो, इस जमीन को प्रभु के नाम के लिए कुछ करने के लिए कहो, कुछ ऐसा कुछ करो कि प्रभु की महिमा हो। मगर उन लोगों ने तब मेरे बातों को नहीं सुनते हुए फिर से वो लोग अपनी जगत के काम में व्यस्त हो गया। जब वो लोग जगत के काम में व्यस्त हो गया, विश्वास कीजिए बाहर के लोग आकर उस जमीन को हड़प लिए हैं, क्योंकि वो लोग प्रभु के पास नहीं आए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहना चाहता है कि आपका संपत्ति आपको स्वर्ग पर लेकर नहीं जाएगा, आपका संपत्ति आपके जीवन को नहीं बनाएगा, आपका संपत्ति आपके जीवन में शक्ति को नहीं लाएंगे, आपका संपत्ति आपके जीवन में ताकत को नहीं लाएंगे, आपका संपत्ति आपके जीवन में नए नए आशीष को नहीं लाएंगे। आपका संपत्ति आपको खड़ा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, मगर स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता है। आज समय है परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे सामने में खड़ा हूँ। आप लोग जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, भाई योब के बारे में, प्रवक्ता योब के बारे में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर ने उसे किस तरह से छुटकारा दिया है उसके बारे में लिखा हुआ है। हमारा आप अच्छी तरह से जानते हैं जब शैतान की आँखें उसके ऊपर गिरी तब उसके जीवन में दुख कष्ट तकलीफ आकर खड़ा हो गया। बाइबल कहता है कि योब के अध्याय 1 पत्संग का 9 में अगर देखेंगे, जहां पर शैतान उसके मंद आंखें योब को देख रहा है, और तब ईश्वर ने शैतान से कहा क्या तू मेरे शिष्य मेरे प्रिय पुत्र योब को देख रहा है। क्योंकि शैतान को पता है ये ईश्वर विश्वासी है, ईश्वर इसे चला रहा है, ईश्वर इसे देख रहा है। तब शैतान ने ईश्वर से कहा इसे छोड़ दो, देखो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और बाइबल कहता है कि योब के जीवनी में बहुत बड़ा संकट समय आ गया, उतना धनवान व्यक्ति जिसके जीवन में कष्ट आकर खड़ा हो गया, दुख आकर खड़ा हो गया, तकलीफ आकर खड़ा हो गया, परेशानी आकर खड़े हो गए।
मगर उस परेशानी के समय में भी योब ने अपने जीवन को नहीं समर्पित किया। उसने परमेश्वर के ऊपर आस लगाते हुए प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उसको विश्वास था यीशु मसीह ही उठाएंगे। उसको विश्वास था योब के ईश्वर, वो यावे ईश्वर उसे जरूर निकालेंगे। उस समय बाइबल कहते हैं कि उसके तीनों दोस्त उसको छोड़कर चले गए, उसके पत्नी उसे छोड़कर चले गए, उसके बच्चे उसे त्याग कर चुके हैं, बच्चे छोड़कर चले गए। बाइबल कहता है कि उसके पूरे शरीर में घाव भर चुका था, मगर तो भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आज के समय में परमेश्वर को मत छोड़िए, परमेश्वर के शक्ति को मत छोड़िए, परमेश्वर के आशीष को मत छोड़िए। जब आप प्रभु यीशु के नाम लेते हैं, प्रभु यीशु के वचन को ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में दुआई करते हैं, तब परमेश्वर के शक्ति, परमेश्वर के कृपा आपके जीवन में फैलता है। तब आप जान पाते हैं कि परमेश्वर का शक्ति कैसे आपके जीवन में फैलेगा, क्योंकि आपने धन संपत्ति से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, लूकस के सुसमाचार में परमेश्वर बहुत ही सुंदर कहा है, देखो उस चिड़िया लोगों को जो बुनते नहीं है, जो काटते नहीं है, मगर निरंतर मैं उन लोगों को ध्यान रखता हूँ। इससे ज़्यादा धनवान तुम लोग हो, क्योंकि मेरी आँखें तुम्हें और वक्त देखते हैं, मेरी आँखें तुमको हर वक्त लक्ष्य रखता है। मैं हर वक्त ख्याल रखता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ पर हो, किस तरह से हो, किस तरह से तुम्हें चलाना चाहिए। आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आना चाहिए। ये तभी संभव है जब आप अपने धनों को परमेश्वर के कामों में लगाएंगे। लूकस के सुसमाचार अगर देखेंगे अध्याय 12 पद संख्या 32 से लेकर 34 तक, जहाँ पर उसने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपने संपत्ति बेच कर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते हैं, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इटका करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कोड़ा नहीं बिगड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आपका मन कहाँ पर लगा हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप क्या धन में व्यस्त है? आप क्या जगत के पैसा कमाने में व्यस्त है? आप क्या रोज व्यस्त है अपने जीवन को लेकर? थोड़े वक्त निकालिए प्रभु के लिए, थोड़े वक्त यीशु को लिए दिए, थोड़े वक्त यीशु के चरणों में रख कर दे कर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। एक चर्च में मैं गया था प्रचार के लिए, और प्रचार के बाद फादर ने मुझसे कहा कि ब्रदर चलिए एक हॉस्पिटल जाना है विजिट करने के लिए। मैंने कहा किस लिए ब्रदर? बोले जाकर देखेंगे, वहाँ पर एक भाई बहुत गम से, बहुत तकलीफ से जा रहे हैं। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा, उसके परिवार मेरे हाथ पकड़कर रोने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ है? उन लोगों ने कहा कि मेरे बेटे का बाइक एक्सीडेंट हो चुका है। मैंने उन लोगों से कहा क्यों खरीद कर दिए हो? वो जानते नहीं है चलाने के, क्यों दिए हो? उन लोगों ने कहने लगे कि नहीं, जोर कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। और हम लोग जब उसे खरीद के दिया तो वो एक्सीडेंट हो चुका है। लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, अंतिम सांस गिन रहा है, क्योंकि उसके सर में बहुत जोर से चोट लगा है। फादर अंतिलेपन देते हुए उसके सर में जब प्रार्थना कर रहे थे, उस भाई के दोनों पैर बंधा हुआ था हॉस्पिटल में और उसके दोनों पैर हिल रहा था। प्रभु ने कहा उसके ऊपर प्रार्थना करो, तभी उसके पैर के ऊपर हाथ रखते हुए मैंने और मेरे टीम ने प्रार्थना करना चालू किया, और फादर जी ने उस समय प्रार्थना करना चालू किया, और एक साथ सभी कोई ने प्रार्थना किया और प्रभु से कहा कि प्रभु तेरी साक्षी के लिए, तेरे साक्षी के लिए इस भाई को और एक बार उठा, और एक बार खड़ा कर कि सब कोई जान सके तेरी महिमा अपरंत है, तेरी कृपा अपरंत है, तू सब कुछ कर सकता है। एक हफ्ते बाद उस भाई को हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया। एक हफ्ते बाद वो भाई स्ट्रेचर पकड़ते हुए हटते हुए प्रार्थना सभा में आए, और वो आकर सभा में धन्यवाद देने लगा कि ब्रदर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना के समय में कोई व्यक्ति आकर मेरे पैर को पकड़कर हिला रहा था, मुझे याद नहीं है कौन कर रहा था, मगर उस समय लग रहा था कि मेरे शरीर में कुछ प्रवेश कर रहा है और उसी वक्त मुझे चंगाई मिला है। अपूर्व है। मैंने उन लोगों से कहा अपना धन और अपना समय को प्रभु के नाम पर लगाओ, मत घमंड करो अपने धन के ऊपर। आपका पैसा आपको जीवन नहीं दे पाएगा, आपका पैसा आपके जीवन में शक्ति को ला नहीं पाएगा, आपका पैसा आपके जीवन में कुछ भी कर नहीं पाएगा। मत घमंड कीजिए अपने पैसे के ऊपर, यह है नष्ट हो जाएगा। जैसे घून के पोका होते हैं ना, घून के जो मकड़ी की तरह घून जो लग जाता है दीवार में, हमारे जीवन में भी पैसा आपके जीवन में घुन लगा देगा।
मुझे याद है मेरे जो नाना जी थे वो यहाँ पे कलकत्ता में जूट मिल में काम करते थे, वो एक अच्छे पद में थे, और जैसे मैनेजर के पद होते हैं उस समय वो अच्छे पद में थे, मगर उसका घमंड था पैसा। आप लोग विश्वास कीजिए, वो उस समय में हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर से प्लेन में बहुत बार पाकिस्तान और बांग्लादेश घूम कर आए हैं। उसके काम के लिए उसे जाना पड़ता था, तब वो ब्रिटिश सरकार के राज्य थे और ब्रिटिश सरकार उन लोगों को बहुत बड़े बड़े पैसे, नोट जब बड़े बड़े होते थे वो नोट उनको दिए थे, और वो बहुत सारे नोट करीबन अभी के समय में सोच लीजिए बहुत सारे लाखों रुपया होगा, 1-2 लाख के बात मैं नहीं कह रहा हूँ, करीबन 40-50 लाख होना चाहिए इस समय के वक्त में वो पैसा। वो उन्होंने वो पैसे को लेकर मिट्टी को खोदते हुए मिट्टी के अंदर में उसको रख दिया था, और सबसे बड़ी बात था कि वो घमंड करते थे उसके पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ कर सकेंगे, और वो पैसा उसके जीवन में साथ नहीं दिया, वो पैसा मिट्टी के अंदर रख दिए थे, और वो अपने में बीमार जब हो चुके, हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे, किसी को नहीं बताया, वो जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, और जब पूछा गया है अंतिम सांस जब ले रहे थे मेरे पिताजी, जब उनसे जाकर पूछा है कि अरे पिताजी आप कहाँ रखे हैं पैसा, तो उन्होंने कहा कि मिट्टी के अंदर जाकर देखो पैसा रखा हुआ है। विश्वास कीजिए जब मिट्टी को खोला गया ना, हर एक नोट घुन पकड़कर वो खा चुका था, बड़ा बन चुका था, फट जा रहा था एक एक नोट, कोई लाभदायक नहीं था। तब मेरे पिताजी भी छोटे थे, उनको भी पता नहीं था क्या करेंगे, और तब से हमारे जीवन में हमारे परिवार में गरीबी चालू हो चुका था, बहुत कष्ट से। पिताजी उस समय इलेक्ट्रिक के काम और घर के काम में व्यस्त थे, और काम करते हुए वो अपने जीवन को चला रहे थे, मगर आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे निकाला है, आज मेरे पूरे परिवार को निकाला है, और प्रभु मिट्टी से मुझे कहाँ पर उठाया है। मैं हर वक्त सभी से कहता हूँ अपने पैसे के ऊपर घमंड मत करो, ये पैसा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु आपके साथ रहेगा, यीशु का वचन आपके साथ में रहेगा, यीशु का शक्ति आपके साथ में रहेगा, यीशु का कृपा आपके साथ में रहेगा, आपका पैसा आपके साथ नहीं देगा, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर आपका साथ देगा। ये समय आइए आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथों को बढ़ाइए, मेरे नाथ मेरे ईश्वर इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं, तेरे आशीष से तू भर प्रभु, हर एक व्यक्ति तेरे कृपाओं से तू भर प्रभु, कि यह पैसा नहीं तेरे कृपा और तेरे दया से ये लोग बच सके, तेरे आशीषमय जीवन से ये लोग बच सके, तेरे ऊपर ये लोग निर्भर कर सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर, आमीन। सभी को जय यीशु। नीचे स्क्रीन में दिया हुआ नंबर और फ़ोन नंबर को देखिए, एड्रेस हमारे दिए हुए हैं, वहाँ पर वेबसाइट भी है, ईमेल है, वे आप लोग उसमें हम लोगों को चिट्ठी भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, 2400 घंटा हम लोग फ़ोन रिसीव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को बताइए आप लोगों के क्या परेशानी है, हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के बारे में बोलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। विशेष रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को भी बताइए इस चैनल के बारे में, इस प्रचार के बारे में, कि इसके द्वारा और भी सब जन प्रभु के मार्ग पर लौट कराए। सभी को जय यीशु, प्रभु की आशीष आप लोगों के जीवन में रहे, जय यीशु।